ये तो इसका रोज का ही ड्रामा है, हॉस्पिटल के नाम पे भागने लग जाती है। तो यहाँ हमें भैया और ही मिल गए, ये लोग भी शॉपिंग करने आए थे और हम लोगों को ये लोग भी मिल गए यहाँ पर, को देखिए ये लोग भी यहाँ मिल गए और वो देखिए हमारी क्यूटी पाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है संडे और आज हम जा रहे हैं विस्की को दिखाने के लिए, क्योंकि विस्की की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। एक्चुअली इसको हो रखा टिक फीवर, तो ये क्या कर रही है, बार बार वॉमिट कर रही है, तो इस वजह से हमें इसको दिखाने जाना पड़ रहा है। वैसे हम एक बार ऑलरेडी इसको दिखा के ले आए हैं, इसका ब्लड टेस्ट वगैरह हमने सब कुछ कर लिया था, तो इसकी प्लेट्स जो थी काफ़ी गिरी हुई हैं, तो हम लोग टैबलेट्स वगैरह से खिला रहे हैं पर, लेकिन कुछ दिनों से, दो दिन से अगर ये वॉमिटिंग कर रही है तो बार बार, तो इसलिए हमें थोड़ा सा टेंशन हो रहा था कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो गई हो, इसलिए हम इसको अभी जा रहे हैं दिखाने के लिए। तो जो डॉक्टर हैं हमारे नियरेस्ट ही हैं तो हम उन्हीं को ही दिखाते हैं, तो अभी इसको लेके चलते हैं। चलिए, मोटी बैठने में भी इतनी नौटंकी करती है ना, बैठा नहीं जाता इससे। वैसे भी ये वाली गाड़ी एक्चुअली पापा की गाड़ी है, तो इसमें इसका इसको पता नहीं, हमारी गाड़ी में तो इसको पता रहता ना कि हमारी गाड़ी है, तो फट से बैठ जाओ। तो चलिए चलते हैं। अरे बाबरे, बहुत गर्म लग रहा है ना विस्की। विस्की कैसा हो रहा है? ओहो, एक्चुअली दोस्तों इसलिए मैं इसको ब्लॉग में भी नहीं ले रही थी, क्योंकि ये काफ़ी टायर्ड हो रही थी, मतलब बस सो ही रह रही थी। अब थोड़ी सी एक्टिव हुई थी, दो तीन दिन में दवाइयों से इसको फर्क पड़ा था, लेकिन अब वॉमिटिंग कर रही है, तो इसलिए मैंने कहा चलो दिखा लाते हैं। विस्की तबीयत ठीक नहीं है बाबू की, बाबू सोना की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे बाबू सोना की, मेरा बाबू सोना। चलिए दोस्तों, अब डॉक्टर के यहीं जाके मिलते हैं आपसे। आ जा, अब देखना दोस्तों ये आने में इतनी नौटंक करेगी ना, क्योंकि हम लोग जो है हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं जहाँ हम दिखाते हैं इसको, अब ये चलने में इसको पता चल जाता है कि हम लोग यहाँ पहुंच गए, तो ये चलने में इतनी नौटंकी करती है। आ जा आ जा, अब देखना दोस्तों ये ऊपर को चढ़ेगी नहीं, क्या पता चढ़ जाए, मेरी गुगली कर दे। अरे आ तो चल जा रही, गजब गजब, लेकिन शेक कर रही है थोड़ा सा। चल 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 चल, शाबाश शाबाश, इसको तो भागने लग गई। अरे अरे पकड़ो 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 पकड़ो, लीस लगाओ इसकी, अंक लीस लगाओ, भाग जाएगी वो। लीस लगाओ ना, मैं कह रही हूँ जब लीस लगाओ, लो ये हॉस्पिटल के नाम पे ही ना इसके, तो अब इसको अंकित कैसे ले जाना पड़ेगा, ये तो इसका रोज का ही ड्रामा है, हॉस्पिटल के नाम पे भागने लग जाती है। चलो चले गई, मेरा बाबू सोना, मेरा बाबू सोना। बेचारी को बहुत ही डर लग रहा है, कहाँ फ्री है, सोच रही क्या हो जाएगा मेरे साथ। और लास्ट टाइम जहाँ इसका यहाँ पर से ब्लड टेस्ट करवाया था। फाइनली दोस्तों हम लोग विस्की को दिखा के आ गए हैं, डॉक्टर ने बोला कि ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नॉर्मल ऐसा होता है, क्योंकि वो खाना नहीं खा रही है तो उसके पेट में जो एसिड बन जाता है, तो इसलिए गैस वगैरह हो जाती है, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप इसको कंटिन्यू खाना खिलाते रहिए थोड़ा 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 करके, और दही वगैरह खिलाइए तो सब ठीक हो जाएगा। तो फिलहाल तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये हमारे लिए यही खुशी की बात है। और यहाँ पर मैंने अपनी बेटी के लिए आइसक्रीम ले ली, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि मम्मा आइसक्रीम लेके आना और बिना आइसक्रीम के घर मत आना, तो उसके लिए आइसक्रीम भी ले ली गई है। और सच बताऊँ तो दोस्तों बहुत गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत मतलब ऐसी वाली गर्मी हो रही है ना कि लग रहा है कि जून जुलाई वाली नहीं होती है जो लू चलने लग जाती है, वो वाली गर्मी हो रही है अभी, जबकि सिर्फ अप्रैल चल रहा है, मई भी नहीं आया हुआ है, तो इस बार गर्मी भी गजब होगी क्योंकि बारिश हुई नहीं है। और फिलहाल विस्की बहुत खुश है, क्योंकि विस्की को हॉस्पिटल बिल्कुल पसंद नहीं होता, आपने देखा ही होगा कि वो कैसे शेक करने लग जाती है, भागने लग जाती है, पहले से तो फिर भी चले जाती थी, अब तो ऐसा है कि थोड़े से भी भागने लग जाती है, हॉस्पिटल को देखते हैं हॉस्पिटल की स्मेल आती है इसको। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं घर, अब जाते हैं घर को, घर के अंदर, और बेटे को देती हूँ आइसक्रीम। पर बेटा खेल रहा है गेम, और इसको कोई मतलब नहीं कि इसको किसने मुझसे क्या मंगाया था, थैंक यू कौन कहेगा, हाँ थैंक यू। अब देखो उसको गेम ही खेलना है बस, ये गेम खेलना, और ये फिलहाल रिलैक्स होकर बैठ गई है यहाँ पर को, अब इसको थोड़ी देर शांति से आराम से बैठने देते हैं, हम भी थोड़ा आराम करते हैं। अब दोस्तों थोड़ा हम भी रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों आज मैं बहुत दिनों बाद अकेले मार्केट जा रही हूँ, अकेले नहीं जा रही हूँ, दीदी आ रही है साथ में, तो दीदी मुझे ज्वाइन कर लेगी मार्केट में ही, तो
मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ जैसा आप मुझे देख सकते हैं, और बहुत धूप हो रही है तो इसलिए शाम को जा रहे हैं। अभी शाम के 5:30 समथिंग हो रहा है, तो चलिए चलते हैं सीधे और मिलते हैं आपको। आज हम कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या शॉपिंग करते हैं आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों आज मैं जा रही हूँ स्कूटी में, तो चलिए स्कूटी स्टार्ट करते हैं और इसको मोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। और आपको पता है कि स्कूटी चला चलाते वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको सीधे वहीं मिलती हूँ। तो दीदी यहाँ पर ढेर सारे कपड़े देखते हुए भी देख लेंगे, ट्राई तो कर लेंगे। हाँ। तो दीदी कह रही है ये वाला मुझे नहीं आएगा, मैंने कहा मैं ट्राई कर लूंगी, तेरे को नहीं आएगा तो कोई टेंशन नहीं है। और दोस्तों आपको दिखाती हूँ कितनी भीड़ हो रही है। तो यहाँ हमें भैया और ही मिल गए, ये लोग भी शॉपिंग करने आए थे और हम लोगों को ये लोग भी मिल गए यहाँ पर। को देखिए ये लोग भी यहाँ मिल गए, और वो देखिए हमारी क्यूटी पाई। अरे बाप रे कितनी स्मार्ट है, मुंह इतना गंदा बना रखा ना उसने, बाय गॉड मुंह कितना गंदा बना रखा उसने। हाय 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 दोस्तों, ये लोग हमें यहाँ पर मिल गए। हाँ हाँ, तो गेट में ही हो रही हो, यहाँ अंदर आके लेंगे हम, ले लिया हमने। देखो इतने ढेर सारे कपड़े, ये देखो हमने इतने ढेर सारे छांट भी लिया अपने लिए, अब तुम भी छांटो, चलो छांटो छांटो। तो हमने इतनी शॉपिंग कर ली है कि हमको ये लेने की जरूरत पड़ गई है। हमने कहा चलो अब ये ट्रॉली लेके आ जाते हैं, क्योंकि भाई सामान बहुत ज्यादा हो गया है और हम इतना हाथ में नहीं पकड़ सकते, इसलिए हमने ट्रॉली ले ली है। तो चलिए अब सब ट्रॉली भरते रहेंगे। और ये देखिए दोस्तों ऐसा लग रहा है सच में ये लोग सेल में आए, मुझे ऐसा लग रहा है लोग सनी बाजार आए हैं, सनी बाजार में जैसे होते हैं ना। अरे हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, ये देखिए कैसे छांट रहे हैं। और ये देखिए वो तो क्या सबके सब कैसे छांटने में लगे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम कुर्ता सिलेक्ट कर रहे हैं, भैया हमारी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि हमें साइज नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने जो है हमको कुर्ते पसंद आ रहे हैं तो इसलिए तब भैया हमें निकाल के दे रहे हैं साइज। और ये हमारी क्यूटी पाई चश्मा पहन रही है हीरोइन, ये पापा की परी छत में चढ़ी, सीट ना मिली पापा की परी, टुंग टुंग क्या हुआ, नहीं मिला साइज नहीं है। जो भी है दोस्तों शॉपिंग करने मजा आता है पर साइज नहीं मिलता है, सबसे मेन प्रॉब्लम ये हो जाती है। अरे मिल गया फाइनली, ये भी अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। हाँ ये अच्छा लग रहा है, इसमें पिंक या ऑरेंज कलर की लेगी डालना ना, डार्क पिंक, हाँ अच्छा लगेगा, अच्छा हाँ नहीं अच्छा लग रहा, डन डन डन, अभी भी अच्छा लग रहा। अच्छा हमें तो नहीं दोस्तों, अब हम जा रहे हैं सेकंड वाले फ्लोर में, यहाँ पर सिर्फ जेंट्स का सामान है, तो देखते हैं जेंट्स के सामान में क्या क्या मिलता है। हाँ यहाँ पर सिर्फ जेंट्स है और क्या है कुछ नहीं है, तो गोरांच के लिए भी कुछ देख लेती हूँ। तो गोरांच के लिए भी दोस्तों क्या देखूं, गोरांच के लिए तो दोस्तों यहाँ पर गोरांच के लिए भी मैंने दो ले ली हैं, अब देखती हूँ आगे मुझे क्या क्या मिलता है। दोस्तों यहाँ पर मुझे ये पसंद आ रहा है और मैं दीदी से कह रही हूँ प्लीज ले लो, 19 रुपए का, कोई तो लो एटलीस्ट इसको, कोई तो खरीदो, मैं तो खरीद नहीं सकती तो कोई तो खरीदो इसको। हाँ वो रेड वाला अच्छा लग रहा है और ये दोनों अच्छे लग रहे हैं, हाँ दोनों अच्छे लग रहे हैं। सेम तो ले लो, उठाओ उठाओ जल्दी उठाओ। दोस्तों उसने वहाँ पर बोतल फेंक दी, अब देखो उठाई गया, जल्दी उठाओ बोतल, उठाओ उठाओ बॉटल उठाओ, यहाँ पर दीदी उससे मांग रही है बॉटल और वो देखो दीदी को देख रही है। देख वहाँ रखी गई, देख देख दोस्तों अपन से दो बोतल निकाल दी, दो एक भी नहीं दो निकाल दिए, वो देखो उसकी शैतानियाँ। दोस्तों मुझे लेट हो रहा है और इनका अभी तक यहाँ शॉपिंग ऐसा नहीं खत्म नहीं हो रहा, इनकी टी शर्ट चल रहा है ढूंढना और मेरे को लेट हो रहा है, मैं कह रही हूँ चलो जल्दी घर चलो, तो मैं सोच इनको छोड़ के चले जाती हूँ घर को। और यहाँ पर दोस्तों हमारे सामान की जो हो रही है वो चेकिंग हो रही है कि जितना बिलिंग है उतना ही सामान आ रहा है ना, और हम सामान देखो कितनी ढेर सारी शॉपिंग कर रही थी हमने। और फाइनली दोस्तों मैं घर पहुंच चुकी हूं और मैंने क्या क्या सामान लिया, सब कुछ शॉपिंग क्या क्या की वो सब मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, अभी एक्चुअली बहुत लेट हो चुकी है और गोरांच का जो है वो कल स्कूल है, तो मुझे इसे टाइम पे सुलाना है, उठाना है, कल की तैयारी करनी है,
तो अभी ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए ये सब मैं आपको कल दिखाऊंगी। और इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।